नमस्कार मित्रों, रुचि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है मन। भर्तृहरि सम्राट थे, उन्होंने सब छोड़ दिया, छोड़ छोड़ जंगल चले गए। मन को यह बात जची न होगी, मन को यह बात कभी नहीं जचती। जंगल में बैठे हैं, वर्षों बीत गए हैं, धीरे 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 तरंगे शांत होती जा रही है। एक दिन सुबह की आंख खोली, सुबह का सूरज निकला है, सामने ही रात जाती है। जिस चट्टान पर बैठे हैं, उसी के सामने से रात जाती है। उस राह पर एक बड़ा हीरा पड़ा है। बाद बूंद के वर्षों में मन को किसी तरफ बिठाया था और मन दौड़ गया। और मन जब दौड़ता है तो कोई सूचना भी नहीं देता कि सावधान, कि अब आता हो। वह तो चला ही जाता है, तब पता चलता है वह तो इतनी त्वरा से जाता है, इतनी तीव्रता से जाता है कि दुनिया में किसी और चीज की इतनी गति नहीं है जितनी मन की गति है। तुम्हें पता चले 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 तब तक तो वह काफी दूर निकल गया होता है। शरीर तो वही बैठा रहा, लेकिन मन बहुत गया हीरे के पास। मन ने तो हीरा उठा लिया भी, मन को हीरे के साथ खेलने भी लगा। तुमने कहानियां तो पढ़ी है न सेक्सलियों की, वे सब कहानियों मन की कहानियां है। मन सेक्सली है, और इसके पहले कि मन शरीर को भी उठा दे, दो घुड़सवार दोनों तरफ से जाए। उन्होंने तलवारें खींच ली, दोनों को हीरा दिखाई पड़ा। दोनों ने तलवार हीरे के पास फेंक दी और कहा, हीरे पहले मुझे दिखाई पड़ा। गृहणि का मन तो कहने लगा कि यह बात गलत है, हीरा पहले मुझे दिखाई पड़ा, मगर यह अभी मन में ही चल रहा है। और उसके पहले भर्तृहरि कुछ बोले, वह तो तलवारें खींच गई। राजपूत थे, तलवारें एक दूसरे की छाती में घुस गई, दोनों लाश गिर पड़ी। हीरा अपनी जगह पड़ा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, हीरे अपनी जगह पड़े हैं, अपने ही जगह पड़े रह जाते हैं। लाशों का गिर जाना, लहू के फवारे फूट जाना, चारों तरफ खून बिखर जाना, हीरे का अपनी जगह ही पर रहना, होश आया भर्तृहरि को कि मैं यह क्या कर रहा था। वर्षों की साधना मिट्टी हो गई, मेरा मन तो भाग ही गया था, मैं तो खुद भी दावेदार हो गया था। मैं तो कहने की जाने वाला था कि जो हीरे को पहले मैंने देखा है, तुम दोनों पीछे आए हो, हीरा मेरा है। मगर उसके पहले कि कुछ कहते, उसके पहले ही यह घटना घट गई, दो लाश गिर गई। भर्तृहरि के आंख बंद कर ली, सोचा कि हद हो गई, कितने हीरे घर छोड़ आया हो तो उससे बड़े बड़े थे। इस साधन से हीरे के लिए फिर लालच में आ गया। कुछ हुआ नहीं, बाहर कोई कृत्य नहीं उठा, लेकिन मन के भीतर तो सब यात्रा हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम बाहर कुछ करो, मन तो भीतर ही सब कर लेता है। यह हो भी सकता है कि बाहर से कोई हिमालय गुफा में बैठा हो और मन सारे संसार की यात्राएं करता रहे।
पहाड़ की गुफाओं से धोखे में मत पड़ जाना। असली सवाल मन का है, और यह भी हो सकता है कि कोई राजमहल में बैठा हो और मन कहीं न जाता हो। बात बाहर की नहीं है, बात भीतर की है, बात मन की है, और मन बड़ा लोभी है। मन हर चीज में लोभ लगा लेता है। मन कहता है कि सब मेरा हो जाए, और यह लोभ उसका ऐसा है कि जरा जरा से स्वाद के पीछे जहर भी पटक जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।